नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। भाजयू ने जमकर कोसा केंद्र और यूपीए सरकार को, कहा 2014 में होगा फैसला, कांग्रेस का होगा सफाया। सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय, प्रदेश भर में स्कूल तो है लेकिन स्कूलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं। धर्मशाला शिमला राजमार्ग 88 का कार्य चला है कछुआचाल, रोजाना लग रहे हैं घंटों जाम, लोग परेशान। और चैलचौक बाजार में अव्यवस्थाओं के चलते स्थानीय लोग परेशान, लोगों ने जताया बीमारी फैलने का डर। ब्रिटेन में सबसे पहले बात करते हैं भाजयूमो की। शुक्रवार को मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजयूमो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जहां मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार किए, वहीं केंद्र की यूपीए सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि 15 जुलाई से भाजयूमो एक कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को युवा मोर्चा के साथ जोड़ना है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने की। बैठक के दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां राज्य सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाने साधे। सुनील ठाकुर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपीए सरकार जनता को दोनों हाथों से लूटने का कार्य कर रही है। केंद्र के अंदर जो दिशाहीन दिग्भ्रमित युवाओं को और देश के आम लोगों को लूटने वाली सरकार चल रही है, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम उनको जागरूक करेंगे। और प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से उसने प्रदेश की भोली भाली जनता को धोखा दिया है और विशेष तौर पर प्रदेश के नौजवान युवाओं को उन्होंने धोखा दिया कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, हम आपको खैरात के रूप में बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देंगे, उनको कह रहे हैं कौशल विकास भत्ता, और अभी तक वो भी किसी युवाओं को नहीं मिला है। सुनील ने कहा कि जो हरकतें चीन द्वारा लद्दाख में की जा रही है, उसे मनमोहन की गूंगी सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाले जो अगले लोकसभा चुनाव है, उसके अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक बूथ पर जो हमारी युवा सेना तैयार होगी, उसके माध्यम से देश को लूटने वाली, धोखा देने वाली, और लद्दाख के अंदर, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार चीन के द्वारा पिछले कल ही हमारे सेना के जो बंकर वहां पर थे उसको तोड़ा गया, उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसके लिए जो केंद्र की मनमोहन गूंगी सरकार है उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और प्रदेश की जो दिशाहीन सरकार है, दिल्ली के अंदर BBMB का 4,250 करोड़ रुपया जो हमारा वहां पर पड़ा हुआ है उसको लेने में भी नाकाम है। अभी तक 6 महीने के अंदर ये कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर पाए, ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। सुनील ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को धमकाने का काम किया है, जिसका जवाब भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। उन्होंने कम वोट डाले हैं क्योंकि लोग वोट डालने नहीं आए, प्रदेश की सरकार जो चल रही है उन्होंने आम लोगों को डरा धमका कर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर और पैसे बांट कर ये वोट खरीदे हैं। इसका युवा मोर्चा आने वाले जो अगले लोकसभा चुनाव है उसमें मुंह तोड़ जवाब देगा। भले ही भाजयूमो कार्यकर्ता अपनी जीत के दावे करने में अभी से मशगूल हो गए हों, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीत का फैसला जनता के हाथ में है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर हाई कोर्ट के आदेश अनुसार शुक्रवार को मंडी नगर परिषद में एक बार फिर मंडी में हुए अवैध निर्माण पर अपनी मशीन चलाई। आपको बता दें कि मंडी में नगर परिषद द्वारा जहां अवैध तरीके से बनाए गए घरों को तोड़ा जा रहा है, वहीं दुकानों और ढाबों पर भी नगर परिषद का खूब हथौड़ा चल रहा है। आप देख रहे हैं अवैध तरीके से हुए निर्माण को ध्वस्त करने में नगर परिषद अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रही है। ऐसे में नगर परिषद पर यह आरोप लग रहे हैं कि नगर परिषद उन स्थानों को भी तोड़ने में जुटी है जिन पर अभी फैसला आना बाकी है। मंडी के एक गैरेज को तोड़े जाने पर गैरेज मालिक ने बताया कि यह गैरेज यहां 1972 से चल रहा है, जिसका केस अभी भी कोर्ट में ही है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के नगर परिषद इसे तोड़ रही है। गैरेज मालिक के अनुसार नगर परिषद ने उनका 50 लाख का नुकसान किया है। ये जो गैरेज कमेटी वाले मेरा तोड़ रहे हैं, ये मैंने 1972 में बनाया था। उसके बाद सन 2003 में कमेटी ने मुझे एक नोटिस दिया था, जिसका मैंने इन्हें जवाब दे दिया था कि ये मकान 1972 का बना हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर भी उसके बावजूद कोई उस पर वो कार्रवाई जारी रखी, जबकि ये बहुत समय बीत गया था। उसके बाद इन्होंने 2007 में मुझे नोटिस दिया था, जिसमें भी मैंने यही लिखा था कि ये 1972 का बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिनकी पहुंच है उन अवैध कब्जों और मकानों पर नगर परिषद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता, जबकि गरीब तबके के लोगों पर नगर परिषद अपना हथौड़ा चलाने में कोई गुरेज नहीं कर रही। ये पहुंच वाले मकानों पर तो हाथ नहीं डालते, लेकिन जिनकी पहुंच नहीं होती सिर्फ उन्हीं को तंग करते हैं। जहां इनकी कोई सेवा हो जाए वो उनके खिलाफ ये केस भी नहीं बनाते। मंडी में ऐसे हजारों केस हैं, लेकिन इन्हें हम ही नजर आए। उधर नगर परिषद अधिकारी ने भी इस संबंध में अपने तर्क पेश किए। देशों की अनुपालना में आज हमने 2 अवैध कब्जाधारियों के कब्जे खाली करवाए, जो कि जेल रोड में स्थित थे। 4 दुकानें इन्होंने निर्मित करी हुई थी, उनको हमने आज गिरा दिया है। और यह अभियान हमारा अभी जारी रहेगा जब तक कि हम सभी जितने भी अवैध कब्जे सरकारी भूमि पे, नगर परिषद की भूमि पे किए हैं, उनको जब तक हम हटाते नहीं तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। सरकार की भूमि पर तथा नगर परिषद की भूमि पर 47 मामले जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से 37 मामले अभी निपटाने को है और 10 मामले जो है पहले निपटाए जा चुके हैं। तो अभी आज हमने 2 मामले निपटाए हैं और 35 बाकी है। इसके अतिरिक्त अवैध निर्माण और भी है। गौर रहे कि मंडी में एक बार फिर नगर परिषद ने अवैध धारियों पर अपना हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस।
गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहाँ उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्बो किंग, ट्रेवलर शक्तिमान और ट्रेवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्ट्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर मंडी। द न्यू फोर्स फॉर अ न्यू इंडिया। वहीं शुक्रवार को नारला में द्रंग ब्लॉक इंटर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंटर के अध्यक्ष रमणीक शर्मा द्वारा की गई। बैठक में जहां कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वीरेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष, प्रकाश चंद को महासचिव और विपिन कुमार को सह सचिव नियुक्त किया। उसमें जो है माननीय गणमान्य व्यक्ति हमारे गर्जा राम जी, विपिन कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी और योगेश कुमार जी जो है शामिल रहे बैठक में। हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि जो इंटक द्रंग की इकाई है, उसको हम जो है संगठन को जो है मजबूत करेंगे, तथा द्रंग विधानसभा क्षेत्र और हमारी जो ग्राम पंचायत कुन्नू है, उसके विकास कार्यों को हम जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के अथक प्रयासों के बावजूद भी आम आवाम का विश्वास सरकारी स्कूलों से उठता जा रहा है, जिसका जीता जागता नमूना जिला सोलन में देखने को मिल रहा है। यहां 24 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनकी पहली कक्षा में एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया है। एक रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश व देश को साक्षर बनाया जा सके, लेकिन यह संख्या बढ़ने की बजाय शून्य होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि यदि बच्चे पहली कक्षा में ही प्रवेश नहीं करेंगे तो भविष्य में अन्य बड़ी कक्षाओं को भी विद्यार्थी नहीं मिल पाएंगे और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे स्कूलों को भी बंद करना पड़ सकता है। इन्हीं स्कूलों में से स्कूल घयाली भी है, जो ब्लॉक कंडा घाट में स्थित है, जिसमें मात्र 3 विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन 3 छात्राओं में से एक छात्रा 5वीं कक्षा में और 2 छात्राएं 4थी कक्षा की है, जबकि पहली, दूसरी व तीसरी में कोई छात्र नहीं है। वहीं स्कूल में पढ़ा रही इकलौती अध्यापिका का कहना है कि उनका स्कूल जंगल के बीच में होने की वजह से कोई भी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। वहीं इस विषय पर बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वह अपने बच्चों को इसलिए निजी स्कूलों में डालते हैं क्योंकि उन्हें निजी स्कूलों में सभी सुविधाएं मिलती हैं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए साधन भी स्कूल ही मुहैया करवाता है, जबकि सरकारी स्कूलों के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। कि हम इसलिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं कि सरकारी स्कूलों में फैसिलिटियां नहीं है, कि एक तो बच्चों को बैठने के लिए जैसे डेस्क होते हैं तो वो उसी तरह के डेस्क नहीं है, और थोड़ा सा काफ़ी सी कमियां है कि बच्चों को जैसे शौचालय नहीं है, जैसे शौचालय है तो टीचरों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए नहीं होते हैं, तो इसी कारण जो है कुछ बसों की प्रॉब्लम है, भी बसें भी थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर हम प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो हमें बसों की भी सुविधा है। कई जगहों में जो है स्कूल की जैसे बिल्डिंग है तो ठीक नहीं है, बिल्डिंग की वजह से भी थोड़े जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े झिझक जाते हैं कि पता नहीं यहाँ स्कूल की स्थिति कुछ गिरने वाली है। एक तो कुछ तो सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, कुछ सुविधाओं की कमी है सरकारी स्कूलों में, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एक रिवाज चल पड़ी है, हर जगह ये एक रिवाज चल पड़ी है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, और ख़ास करके लोग यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलों में टीचर है, जो वहाँ टीचिंग के काम करते हैं, उनके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो लोगों का सरकारी स्कूलों पर से विश्वास उठता जा रहा है, पढ़ाई पर से, शिक्षा पर से विश्वास उठता जा रहा है। उधर जब इस बारे में सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी राजेंद्र ठाकुर से बात की गई, तो उन्होंने भी स्कूलों में कम होती जा रही बच्चों की संख्या पर चिंता जताई और स्कूलों में अध्यापकों की कमी होना इसका मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि जो अभिभावक अधिक फीस नहीं दे सकते हैं, ज्यादातर उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। बात सोचने योग्य है कि अगर सोलन जिले के 24 स्कूल में बच्चे ही नहीं है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा। यह सरकार को सोचना चाहिए और इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।
बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी शिमला एंड अप्रूव्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड NCTE। फर्स्ट BEd कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश, एक्रेडिटेड बाय NAC। एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्रोग्राम BEd 200 सीट्स, BBA 50 सीट्स, BCA 60 सीट्स एंड PGDCA 60 सीट्स। Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats, affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities, highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, Near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और खबर में रुख धर्मशाला का। बेशक धर्मशाला शिमला को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य जनता की सुविधा के लिए जारी है, लेकिन जनता को इससे सहूलियत के बजाय समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि राजमार्ग 88 पर हमीरपुर नगर के साथ बन रहे इस राजमार्ग का कार्य कछुए की चाल चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर नगर के नजदीक बाईपास का कार्य धीमी गति से चलने के कारण हर दिन गुजरने वाले वाहनों को ट्रैफिक जाम व अन्य परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। करीब 25 करोड़ की लागत से बन रहे इस बाईपास मार्ग का कार्य 2013 को पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मार्ग में बनने वाले 3 पुलों में से सिर्फ एक ही पुल का निर्माण हो पाया है, जिससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार्य कितनी प्रगति पर चला हुआ है। उधर ग्रामीणों की सुने तो यह बाईपास कार्य कई सालों से लटका हुआ है, जिसके चलते बीमारी की हालत में मरीज को मुख्य मार्ग पर लगे जाम से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार को यह कार्य जल्द पूरा करवाना चाहिए, ताकि लोगों की समस्या हल हो सके। लोगों का जो डेली मरीजों का आना जाना जो है वो बस अड्डे पे जाम की वजह से जो तंग हो रहे हैं। अगर बाईपास का काम जल्दी हो जाता तो जितने भी लोग आ जा रहे हैं या कोई परेशानी नहीं होनी थी, और नित नियम जितना भी जो ये ट्रैफिक जाम हो रहा है जो बाईपास की वजह से हो रहा है, सरकारों को आज 8-10 साल हो गए हैं बाईपास का काम किए हुए, जो कि आज दिन तक अधूरा चला हुआ है। वहीं इस बाईपास का कार्य पूरा ना होने के कारण शिमला से धर्मशाला जाने वाले अधिकतर सैलानियों को भी जाम से जूझना पड़ रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को भी अपने दिनचर्या के काम से निपटने में समस्या पेश आ रही है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने भी इस मार्ग के कार्य को जल्द पूरा किए जाने की मांग उठाई है, ताकि लोगों को पेश आ रही समस्या से निजात मिल सके। हमीरपुर में रोजाना आपने देखने की बात है कि हजारों वाहन जो हैं यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं, जो कि हमीरपुर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो इसके कारण जो है हमीरपुर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी विकराल हो चुकी है। जहाँ इससे दुर्घटनाओं को न्यूनतम मिलता है, वहीं कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण लोगों को कई घंटे तक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये जल्दी बन जाए तो इससे हमें जो है काफ़ी राहत महसूस हो। गौर है कि इस मार्ग का कार्य 2010 से शुरू किया गया था और इस कार्य को पूरा करने की अवधि 3 वर्ष की थी। सड़क का कार्य अभी आधा अधूरा हो पाया है और कहीं पर भी टारिंग का काम नहीं हुआ है। सड़क के किनारे बसे गांव के लोगों को बाईपास का कार्य पूरा ना हो पाने से असुविधा पैदा हो रही है और आए दिन लोगों को कच्चे मार्ग से ही वाहनों को ले जाना पड़ता है। वहीं शहर को आने के लिए भी गांव के लोगों को
गाड़ी लेकर 5 से 8 किलोमीटर ज्यादा सफर तय करना पड़ रहा है। आपको बता दें NH 88 पर दिन में हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है और अगर बाईपास की इस समस्या का निपटारा जल्द ना हुआ तो यह समस्या विकराल रूप भी धारण कर सकती है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश भर की 8 फुटबॉल टीमें भाग ले रही है और यह प्रतियोगिता 17 जुलाई तक जारी रहेगी। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चौधरी ने एक और जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, वहीं उन्होंने खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान भी किया। हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। अगर हमारे मन में एक भावना उनकी खेल से हमें अच्छे खेल का प्रदर्शन करें, एक अच्छा खेल हम खेले, हम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गांव से, हमारे छोटे शहरों से, हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी निकल कर ऑल इंडिया स्तर पर खेले और भारत की टीम जब सिलेक्ट होती है तो हमारे हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ी जाना चाहते हैं। इस मौके पर आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। धन्यवाद करना चाहते हैं राजा वीरभद्र सिंह का, जो हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने। उनका बहुत ध्यान है खेलों में और उन्होंने 24 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया और जो अच्छे खिलाड़ी है उनको जो प्रोत्साहन राशि थी उसको 75,000 से डबल करके देने की बात जो लगभग की है, ताकि इस राशि को देकर हमारा जो खिलाड़ी है गरीब परिवार से निकलता है, जिसमें खेलों में एक पैसे की भावना से उसका इंटरेस्ट नहीं बनता है, क्योंकि सामने आने में गरीबी आ जाती है, हमारी सरकार उसके लिए हमेशा तत्पर है। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन मंडी में पहली मर्तबा किया जा रहा है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जनता का भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता 12 जुलाई से 17 जुलाई तक जारी रहेगी। अखिल भारतीय ONGC फुटबॉल फेस्टिवल जो मंडी में आयोजित हो रहा है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में फुटबॉल को और लोकप्रिय बनाने के लिए ये दूसरी कड़ी है। इससे पहले हमने राज्य स्तरीय आयोजन कांगड़ा में किया, अब हम अखिल भारतीय स्तर पर इसका आयोजन आज से 17 तारीख तक 17 जुलाई तक मंडी में कर रहे हैं। मुझे हर्ष होता है और खुशी होती है जो रिस्पांस इस टूर्नामेंट के लिए, इस फेस्टिवल के लिए मिला है वो मैं सोच नहीं सकता। मैं धन्यवादी हूँ मंडी वासियों का जिन्होंने इतनी रुचि इस फेस्टिवल में दिखाई है कि जिसके लिए मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। इस मौके पर जहां देश भर के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए भी हर टीम अपना दमखम दिखाने वाली है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ के न्यूज के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज।